एवरी धर्म, एवरी रिलीजन, एवरी कम्युनिटी, एवरी कल्चर इज ओनली गाइडिंग यू टुवर्ड्स वन थिंग एंड दैट इज मीटिंग योरसेल्फ बाय लेटिंग गो ऑफ थिंग्स. जिंदगी एक लम्हे में खत्म हो जाती है, उसके पाथ पे चलते रहो बट डोंट उसका हवा नहीं बनाना है. रेजिस्टेंस ऑफ एवरी काइंड. डोंट बी द फुटबॉल ऑफ अदर पीपल ओपिनियन. इतने सारे सेशंस करने के बाद अब तो मुझे लगता है आप लोगों को सेशन बताना चाहिए कि पीस कैसे हासिल होगा, सुकून कैसे मिलेगा. बताओ, आज पहले ये बात करते हैं, फिर उसके अंदर जो भी पॉइंट्स मुझे लगता है ऐड करने वाले जो मैंने एक्सपीरियंस किए हैं आई विल कीप एडिंग टू इट. हाँ जी, जो उसने बताइए. समबडी राइट डाउन हैप्पीनेस. जब खुद खुश रहेंगे तो ऑटोमेटिकली पीस आना स्टार्ट हो जाता है. खुद खुश रहते कैसे हैं ये तो बताओ. लोअर योर एक्सपेक्टेशन फ्रॉम अदर. वंडरफुल. जब जब एक्सपेक्टेशन ज्यादा होती है उसके चक्रव्यूह में फंसते चले जाते हैं, अपनी एक्सपेक्टेशंस को लो डाउन करो, लाइफ से भी, रिलेशनशिप से भी, करियर से भी, सारी चीजों से. होता क्या है, वो कर्म और फल वाली बात है. हम कर्म करने में कम विश्वास रखते हैं, रिजल्ट में ज्यादा. इसलिए उन रिजल्ट की एक्सपेक्टेशंस को लो डाउन करो, जो रिजल्ट आएगा उसे एक्सेप्ट करो एंड मूव फॉरवर्ड. सर्विंग अदर्स जो आपको वापस कुछ नहीं दे सकते. वेरी नाइस, ब्यूटिफुल. सर्विंग अदर्स जो आपको वापस कुछ नहीं दे सकते. वेन यू सर्व पीपल यू स्टार्ट फाइंडिंग मीनिंग एंड वैलिडेशन टू योर एग्जिस्टेंस. ये पता क्या करता है, सर्विंग बड़ी अच्छी बात करता है. सर्व आपको मैं से ऊपर उठा देता है. मैं मतलब ईगो. स्पिरिचुअलिटी बस इतना ही है, जैसे आप मैं से मुक्त हो जाते हो, जैसे मैं जिंदगी में ड्रॉप डाउन हो जाता है, मतलब आप स्पिरिचुअल हो गए. जैसे आप सर्व करते हैं आप मैं से मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि आप पहली बार खुद से ऊपर उठ के दूसरे के बारे में कुछ करने और कुछ सोचने की इच्छा रख रहे हैं. अदरवाइज हम खुद में ही इतना फंस जाते हैं. एनीवन एल्स? और सो व्हेन आई एम इन अ स्टेट ऑफ फ्लो लाइक इन द प्रेजेंट. हाँ, बड़ी अच्छी बात है. बेसिकली मींस व्हेन यू आर नॉट ड्विंडलिंग बिटवीन द पेंडुलम ऑफ पास्ट एंड फ्यूचर, दैट बेसिकली मींस सब आपको सुकून आ जाता है. हम अपनी एक्टिंग में या लाइफ में टाइमलेसनेस भी कहते हैं. टाइमलेसनेस का मतलब होता है जब सब चीजें थम जाती हैं, रुक जाती हैं वहीं पर, क्योंकि आप उस मोमेंट में प्रेजेंट हो और हर चीज को सुन रहे हो और महसूस कर रहे हो. दैट इज द टाइम यू फील पीसफुल. और बताओ जी, पीस. हाँ जी, चेतना जी बताइए. चोपड़ा जी, सुकून. मुझे गुड लाइन वुड बी टेक लाइफ सिंसियरली नॉट सीरियसली. वेरी नाइस. अरे मतलब आज का सेशन तो कमाल होने वाला है. मतलब बहुत सारी चीजें होंगी इसको, तो मुझे लगता है मुझे ऑडियो पॉडकास्ट बनाना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारी चीजें निकलने वाली है. इन सबसे बड़ा फायदा होने वाला है, क्योंकि सारे सवाल यही होते हैं सर, सुकून कैसे मिलेगा, सुकून कैसे मिलेगा. आज सुकून के ऊपर बहुत सारी रिसर्च हो रही है. टेक लाइफ सिंसियरली बट नॉट सीरियसली का मतलब है हंसते खेलते जिंदगी को बिताओ, क्योंकि जिंदगी दो मिनट में हाथ से छूट जाती है. अब समझे, यहाँ पे मृत्यु की अवेयरनेस ज्यादा है. जब मैं अपने बारे में कहता हूँ और जब मैं खुद को समझाता हूँ कि टेक लाइफ सिंसियरली नॉट सीरियसली का मतलब है, क्योंकि मैंने जिंदगी को ऐसे छूटते हुए देखा हाथ से. जिंदगी एक लम्हे में खत्म हो जाती है, उसके पाथ पे चलते रहो बट डोंट उसका हवा नहीं बनाना है. ये मुझे सुकेश ने कहा था, मुझे याद है. ही वाज अ जी प्रोग्रामिंग हेड एट वन पॉइंट ऑफ टाइम एंड नाउ इज अ प्रोड्यूसर ऑफ टेलीविजन शोज व्हेन आई वाज डूइंग भागों वाली. उसके बाद मैं उनसे मिला था और उन्होंने मुझे कहा था, हिमांशु यू हैव दिस क्वालिटी दैट यू डोंट टेक लाइफ seriously or you don't take fame, name, power seriously, and this is the quality that monks have. That's where I understood. He made me aware of this thing in myself. Priyanka ji, bataiye. I feel peace can come by letting go of things. Very nice, very nice, beautiful. Peace comes from letting go of baggages. Jab bahut sari cheezon ko hum ikattha karte ja rahe hain, bahut sara accumulate karte ja rahe hain, to yahan pe bahut zyada बोझ आना शुरू हो जाता है. तो चीजों को खाली करो, कमरों को खाली करो, कबर्ड्स को खाली करो. हमने मिनिमलिज्म की भी बात की थी. ज्यादा बोझ मतलब ज्यादा फंस गए बवंडर के अंदर, उसको थोड़ा सा छोड़ो, खाली करो. स्पेस चाहिए होती है सुकून के लिए. तो सामान का बोझ लेके ढोगे तो कैसे चलोगे, गिर ही जाओगे ना, डूब ही जाओगे. लेकिन अगर खाली है पूरी छाती और पूरी पीठ, तो आराम से जितना मर्जी चल सकते हो. सो लेट गो ऑफ योर बैगेजेस, रिलीज देम सो दैट यू कैन मूव फॉरवर्ड एंड हैव पीस. हाँ जी रेमा जी, यू वांट टू ऐड समथिंग टू इट? जब हम मंदिर में जाते हैं तब एकदम सुकून महसूस करते हैं. yes, yes. बहुत अच्छी बात है, क्योंकि प्रेयर में सुकून है. प्रेयर, मैं भी ये ऐड करना चाहता था, प्रेयर में सुकून होता है. मतलब जब हम प्रे करते हैं हाथ जोड़ के, आंखें बंद करके, जरा दो मिनट आंखें बंद करने का मतलब होता है द जर्नी कम्स टू इनवर्ड्स नाउ. आपने जैसे चेतना ने कहा, बाहर की चीजों को छोड़ दिया, अंदर घुस गए, तो अपने आप पीस
इमर्ज होना शुरू हो जाता है। मतलब सोचो, ये ऐसा है कि पीस हमारे अंदर है, जैसे ही हमारे नेत्र अंदर की तरफ जाना शुरू करते हैं, इनवर्ड्स जर्नी शुरू होता है, वो पीस अपने आप डीपली इमर्ज होना शुरू होता है सरफेस पे। इसलिए जब प्रे करते हैं, आंखें बंद करते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, तो कहीं ना कहीं अपने अंदर सुकून महसूस होना शुरू हो जाता है, बिकॉज द जर्नी हैज स्टार्टेड इनवर्ड्स नाउ। धर्म, मैं भी एक्चुअली प्रियंका चोपड़ा का इंटरव्यू देख रहा था रिगार्डिंग विद ओप्रा विनफ्री। सो उसके फादर उस पे कहते थे, विच आई ऑल्सो बिलीव, कि एवरी धर्म, एवरी रिलीजन, एवरी कम्युनिटी, एवरी कल्चर इज ओनली गाइडिंग यू टुवर्ड्स वन थिंग एंड दैट इज मीटिंग योरसेल्फ। रास्ते सबके अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन डेस्टिनेशन एक ही है। डेस्टिनेशन वही है, सिंपल अवेयरनेस ऑफ योरसेल्फ। बताइए। हाँ जी, तापसी जी बताइए। सो ग्रैटिट्यूड इज वंडरफुल, बिकॉज ग्रैटिट्यूड गिव्स पीस। अगेन, जो माइंड की हमने बात की, माइंड प्ले करता है कि मेरे पास ये कमी है। जब हमने इस बात का नजरिया बदल दिया, आधा ग्लास खाली और आधा ग्लास भरे का, कि नहीं कमी नहीं है, ये एक्चुअली आधा ग्लास भरा हुआ है, तो मतलब क्या होता है? ग्रैटिट्यूड एंड थैंकफुलनेस। फिर हमारा जैसे ही नजरिया बदला, हमारी जिंदगी बदली, हमारा सुकून हमारे हाथ में वापस आ गया, कि नहीं जो मेरे पास है यही बहुत ज्यादा है, यही बहुत ज्यादा है एज कम्पेयर टू जिनके पास बिल्कुल भी नहीं है। हाँ जी पारुल बताइए। सर, आई एम सेइंग पीस इज व्हेन वी एंजॉय द प्रोसेस ऑफ बिकमिंग, सो वी कैन कनेक्ट टू आवरसेल्फ। वेरी नाइस। सो एंजॉयिंग द प्रोसेस ऑफ बिकमिंग, अगर ये बात हमें समझ में आ जाए कि ए से बी तक जो पहुंचना है, ये रिजल्ट आपके फेवर में कभी भी नहीं होगा, कभी होगा, सॉरी ऐसा नहीं कहते, ये आपके फेवर में कभी होगा कभी नहीं होगा। तो होता क्या, जब हमारे फेवर में होता है तब तो हमें बड़ा मजा आता है, जब हमारे फेवर में नहीं होता तब परेशान हो जाते हैं। हमें ये समझना है कि ए से बी तक जो आप बन गए हो वो आपकी अचीवमेंट है। वेदर इट्स थ्रू योर सैड डिमाइसेस ऑफ योर लव्ड वंस, वेदर इट्स थ्रू अ फिल्म बिकमिंग अ हिट, वेदर इट्स योर करियर गोइंग हेवायर, वेदर इट्स योर रिलेशनशिप ब्रेकिंग, वो सब बेमायने हैं, वो सब इंसिडेंट्स हैं, वो इंसिडेंट्स इंपॉर्टेंट नहीं है। जो आप बन रहे हो फ्रॉम ए टू बी या ए टू जी, ये हो आप, ये आपकी जिंदगी में अचीवमेंट है। हाँ जी खिलवानी, आप भी बताओ, एड ऑन। बीइंग मोर एक्सेप्टेंट। हाँ, बड़ी अच्छी बात है, दैट्स वाई नाइस, बीइंग मोर एक्सेप्टिंग इन लाइफ। जितना ज्यादा हम एक्सेप्ट करते हैं उतना ज्यादा चीजें बेहतर हो जाती है जिंदगी में। हम अटकते भी इसलिए क्योंकि हम रेजिस्ट करते हैं। जब जब आप चीजों को रेजिस्ट करोगे, आप यूनिवर्स से डी अलाइन हो जाओगे, क्योंकि यूनिवर्स चाहता है आप एक्सेप्ट करके आगे बढ़ो, क्योंकि यहाँ से एक रास्ता आपके लिए खुलना है। वो रास्ता आपके लिए तब खुलेगा जब आप एक्सेप्ट करोगे। इट्स एज सिंपल एज दैट। Somebody said congratulations and I said thank you, conversation over. Somebody said congratulations and I'm conflicting, saying why, what is the reason, why are you congratulating me? Conflict happens, conversation aage badhni shuru ho jati hai kisi aur satah mein. Let life give you and you accept it, stop resistance of every kind, right? To life ka Google map hai ye, acceptance. Anita ji, not to be trying to be perfect always. That basically means that when we try to control things, jab hum apni taraf se koshish karte hain ki har cheez perfect ho jaye, इसमें कंट्रोल फ्रीकीनेस आ जाती है कि हम चाहते ही चीज अपने तरीके से है। When we start to claustrophobic ourselves, हमारा पीस छिन जाता है। So stop being a control freak. अंकिता बताइए। I was saying when I sit in silence, so basically understanding silence gives the peace. Absorbing silence and stillness and space from this universe, absorbing it like a sponge and then inheriting it and then flowing with it, right? Silence is equivalent to peace. It really helps you to become peaceful. Silence में एक और चीज मैं ऐड करना चाहूंगा कि silence के अंदर का मतलब है बाहर का silence absorb करना, that's one. Second है controlling your tongue. कम बोलोगे अपने आप, क्योंकि बोल कम रहे हो तो thoughts भी अपने आप कम हो जाते हैं, अपने आप peace अंदर से emerge होना शुरू हो जाएगा. That basically means also start talking less, start talking clear. कम बोलोगे अच्छा बोलोगे, सुनने वाले को भी महसूस होगा, थॉट्स भी क्लियर हो जाएंगे, अपने आप क्लीनलीनेस प्योरिफिकेशन भी होगा एंड ऑटोमेटिकली यू स्टार्ट टू फील इनहेरेंट पीस। ओके वंडरफुल, एनीवन एल्स? हां जी तापसी बताइए, व्हाट डू यू वांट टू ऐड? सो नॉट होल्डिंग एनी ग्रजेस विद एनीवन। एग्जैक्टली, वी हैव ऑलरेडी स्पोकन अबाउट इट, दैट बेसिकली मींस लेट गो ऑफ योर पास्ट, लेट गो ऑफ योर बैगेजेस, लेट गो ऑफ योर ग्रजेस, ये उसी के अंदर आ जाएगा। ओके वंडरफुल, एनीवन एल्स? अपूर्वा, यू वांटेड टू ऐड समथिंग? सर, लाइक व्हेन वी आर डूइंग एनीथिंग क्रिएटिव, होता क्या है जब हम क्रिएटिविटी में जागृत हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं अंदर से, क्योंकि देखो क्रिएटिव होने के लिए पास्ट को छोड़ना पड़ता है, सबसे पहले सारे बैगेजेस छोड़ने पड़ते हैं, क्रिएटिविटी अपने आप में आपको ऊपर वाले से मिला देती है। क्रिएटिविटी ऑलवेज पुशेस यू टू बी इन द प्रेजेंट मोमेंट, इन अ स्टेट ऑफ क्रिएटिव एक्सपीरियंशियल लर्निंग,
you start feeling peace. Very nice. Wonderful. Anyone else? Or batao. Surrendering to the process of life. Absolutely. Samarpan. जब तक आप समर्पण नहीं करोगे तब तक आप aligned नहीं होंगे तब तक वो सुकून आएगी. समर्पण का मतलब होता है whole hearted acceptance of everything. You just sit in that boat and flow with that boat. समर्पण ये होता है कि मतलब आप उस बोट में बैठ गए जो ऊपर वाले की. अब उस बोट में क्या होगा आपको भी नहीं पता, गलत होगा सही होगा आपके साथ, आपको बस उस बोट में बैठ के चलते चले जाना है. मंक्स दे डू इट ऑल अक्रॉस द ग्लोब. सरेंडर होता है कंप्लीट. जैसे पुराने जमाने में भिक्षुक भी होते थे, खाना कहाँ से आएगा पता नहीं है, कपड़े कहाँ से आएंगे पता नहीं है, कुछ इकट्ठा भी नहीं किया है, कोई एक्यूमुलेशन भी नहीं है, अपने हाथ में बस एक लोटा है जिसमें वो भीख मांगते थे पुराने जमाने में. ये वो कला होती है जिसे हम कहते हैं कि जिंदगी कोई भी बॉल फेंके आपको छक्का मारना आना चाहिए. मतलब यू शुड बी दैट अ गुड बैट्समैन कि चाहे आपको यॉर्कर मिले, चाहे आपको बाउंसर मिले, चाहे आपको हाफ पिच मिले, चाहे आपको फुल लेंथ बॉल मिले, यू मस्ट नो द एबिलिटी टू हिट अ सिक्स आउट ऑफ द पार्क. वंडरफुल. एनीवन एल्स? यस, व्हाट एल्स? अंकुश बताओ. ऑलमोस्ट सब पॉइंट तो कवर अप हो गए. फर्स्ट पावर ऑफ नाउ एंड सेकेंड व्हेन यू एक्सेप्ट पीपल एज दे आर. बिकॉज हमको लगता है कि नहीं बॉस ये सबसे अच्छा बंदा है, बट कुछ इसकी बातें चेंज हो जाए तो हमको बहुत अच्छा हो जाए. बट मुझे लगता है कि एक जो बंदा है वो कंप्लीट पैकेज है अपने में. आप जब एक्सेप्टेंस आ जाता है आपको कि जैसे वो है, और डोंट बी द फुटबॉल ऑफ अदर पीपल ओपिनियन कि भाई सामने वाला मेरे बारे में जो भी बोले मुझे फर्क नहीं पड़ता. वेरी नाइस. डोंट बी द फुटबॉल ऑफ अदर ओपिनियन. आई अंडरस्टैंड. वेरी नाइस. ओके. युक्ति सिंह. सेल्फ लव. सेल्फ लव वही बात है, जब बाहर से नजरें भीतर की ओर मुड़ती हैं अपने अंदर की तरफ, जब खुद सेल्फ लव का इजाद होता है, खुद महसूस होता है सेल्फ लव, खुद को प्रायोरिटी देते हो, तो ऑटोमेटिकली समवेयर डाउन द लाइन यू स्टार्ट टू फील peaceful in life, because now your energies are moving inwards, not outwards, prioritizing yourself. Wonderful. Anyone else? Or batao. I was saying, खुद के सवालों के जवाब जब मिलना start हो जाते हैं खुद में. Self introspective state में जाके या फिर self reflection या self discovery के state में जैसे आप जाते हो, खुद के सवालों के जवाब मिलते हैं. जब खुद के सवालों के जवाब मिलते हैं तो सारा chaos जो माइंड में होता खत्म होना शुरू हो जाता है, क्लैरिटी बढ़ जाती है, एंड क्लैरिटी गिव्स वे एंड राइज टू पीस. वंडरफुल. दैट्स अ वेरी गुड पॉइंट एक्चुअली. वेरी नाइस. एनीवन एल्स? हां जी प्रभजोत जी बताइए. सर सच बोलना, टेलिंग द ट्रुथ. ये बड़ी अच्छी बात है. अगर ये गांधी जी ने बड़ी अच्छी बात की, अगर सुकून चाहिए, मुझे भी लगता है अगर सुकून चाहिए तो सच बोलो, खत्म करो इधर की बात उधर घुमाओगे, उधर का जुगाड़, इसको गलत नहीं लगना चाहिए, उसको बुरा नहीं लगना चाहिए. सच बोलो, खत्म करो, आगे बढ़ो. सच बोलने का मतलब कड़वा बोलना नहीं होता, मीठा सच भी होता है. कभी कभी हम ये बात समझ नहीं पाते, हमने तो सच बोल दिया, ब्लंटली बोल दिया, लेकिन ब्लंटली बोलने की जरूरत नहीं है, उसे प्यार से तरीके से समझा के भी बोला जा सकता है. लेकिन बोलो सही, सदा हुआ और सच, ताकि आपको बहुत सारी कंफ्यूजन्स ना हो लाइफ में. वेरी सिंपल बट वेरी इफेक्टिव एंड इम्पैक्टफुल पॉइंट. वंडरफुल प्रभजोत. एनीवन एल्स? दिस इज अवॉइडिंग टॉक्सिक पीपल आल्सो. मैंने तो पता नहीं कितनी बार ये बात कही है कि ऐसे लोगों से दूर रहो जो टॉक्सिक हैं, ऐसे लोग जो आपको एम्पावर, इनकरेज, अपलिफ्ट नहीं करते, आपकी एनर्जीज को एग्जॉस्ट करते हैं, आपकी एनर्जीज से इनसिक्योर होते हैं, आपकी एनर्जी से जेलस महसूस करते हैं, उन लोगों से दूर रहो, क्योंकि वो जिंदगी में आपको आगे नहीं बढ़ने देंगे और आपका सुकून धीरे धीरे छिनना शुरू हो जाएगा. आई थिंक अमू हैड रिटन वेरी ब्यूटिफुली ऑन द बर्थडे पोस्ट दैट where she was talking about us, that somewhere down the line, एक higher purpose होता है, एक higher evolution होता है, that we are meant and destined to evolve together, whether it's through pain, whether it's through suffering, whether it's through success, whether it's through being together, whether it's through separating and coming together, it is a part of an evolution, it is a part of growth, that's important. So I was saying two points actually, give one is stop comparing. जब हम comparison करते हैं, जब खुद की तुलना दूसरे से करते हैं, तब हमारा peace disturb होगा ही होगा, क्योंकि देखो कंपैरिजन में दो चीजें होती हैं, खुद को किसी से कम आंकोगे या ज्यादा आंकोगे. ज्यादा आंकोगे तो ईगो आएगी, अगेन ईगो आएगी तो ऑटोमेटिकली आपका पीस छिन जाएगा. अगर अपने आप को कम आंकोगे दूसरे से, अपने आप सेल्फ कॉन्फिडेंस कम हो जाएगा, अपने आप आत्मसम्मान आत्मविश्वास कमजोर होना शुरू हो जाएगा. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट, व्हाट एल्स वी वर सेइंग श्रेया? सो आई वाज सेइंग दैट स्टॉप क्रिटिसाइजिंग आवरसेल्व्स और अदर्स. लाइक स्टॉप क्रिबिंग एंड कंप्लेनिंग. मेबी वी कैन डू दैट, बिकम सिंपलर एंड इजीयर. कि हम बहुत सारे लोगों की आदत हो गई है हर चीज में क्रिब और कंप्लेन करने की, तो जब हम क्रिबिंग और कंप्लेनिंग में चले जाते हैं तो हमारा पर्सपेक्टिव भी खराब हो जाता है जिंदगी को देखने का. हम बार बार उसमें कमियां ही ढूंढते रहते हैं,
जब जब कमियां ढूंढेंगे तब तब पर्सपेक्टिव खराब हो जाएगा, नजरिया भी कमियों की तरफ जाएगा। हाँ जी खिलौने जी, कितने पॉइंट्स हो गए? 23। बस बहुत है आज के लिए, 23 पॉइंट्स हो गए। सर आई वांट टू ऐड वन अदर। नहीं नहीं हम तो 23 पे लॉक कर रहे हैं, अब कोई पॉइंट ऐड नहीं होगा। अच्छा कर लो मजाक करो, बोलो Stop proving yourself to others and more sacrificing. Stop proving yourself, तो मैं सभी को कहना चाहूंगा। ये तो मैंने अपने अपने घरों में दोस्तों को भी देखा है कि सारी जिंदगी बस, जैसे मैं अपने दोस्त की बात बहुत करता हूँ यहाँ पर, मेरा जो बेस्ट फ्रेंड है, एक स्टोर होता था, आप 10 स्टोर खड़े करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स के यहीं दिल्ली के अंदर, बड़े बड़े स्टोर हैं, क्रोमा के साइज के स्टोर हैं, लेकिन वो मुझे लगता है आज भी अपना वेट कर रहा है कि पापा कब ऐसे पीठ थपथपाएंगे, क्योंकि he wants to prove it to his dad कि listen I'm a good son or I'm an obedient son and I can do something and I'm ready to do everything because I want that love care and attention from you। आपको ये प्रूव करने की जरूरत, देखो प्रूविंग में ना सिर्फ यही आ जाता कि हम ये प्रूव करना चाहते हैं कि I'm good। Stop proving yourself because ये प्रूविंग कभी खत्म नहीं होगी जिंदगी के अंदर, इसके चक्र में अटकते चले जाओगे। जब खुद को सही कर लेते हैं ना, कमाल की बात है, जब अपने आप को सही कर लोगे तो जिंदगी भी सही नजर आएगी, सुलझी हुई नजर आएगी, मजा आना शुरू हो जाएगा लाइफ के अंदर। ओके वी विल हैव स्पेस फॉर वन मोर पॉइंट सो दैट वी कैन लॉक ऑन 25 पॉइंट्स। अभी तो मेरे बहुत सारे पॉइंट्स थे, चलो वी विल डू दैट इन द नेक्स्ट सेशन एज वेल। वन मोर पॉइंट, और क्या ऐड किया जा सकता है बताओ? व्हेन यू गिव समथिंग बैक टू सोसाइटी लाइक यू आर डूइंग राइट, यू आर गिविंग समथिंग बैक टू सोसाइटी एंड टू अपलिफ्ट समवन्स लाइफ देन एट एनी वे। एक और बात लेयर डीप में जाता हूँ, अगर पीस चाहिए ना तो लॉर्ड बुद्धा की एक बात है बड़ी कमाल की जो मैं बहुत एक्सपीरियंस करता हूँ, बहुत ज्यादा मैं इस बात में विश्वास करता हूँ कि बिकम अ वेसल इन लाइफ, मतलब आपके थ्रू सब चीजें हो रही हैं जी। आप किसी भी चीज में ना अटको ना महसूस करो, बस जस्ट बी द वेसल, लेट बी दैट इंस्ट्रूमेंट थ्रू विच एवरीथिंग इज पासिंग थ्रू यू। ओके जी खिलौने जी 25 पॉइंट्स हो गए, वेरी गुड। अब हम इस पर वीडियोज बनाएंगे, ऑडियो पॉडकास्ट, हाउ टू बी पीसफुल इन लाइफ, क्योंकि ये मुझे लगता है मैं काफी दिनों से सोच रहा था, सेशन रखेंगे then we will explore, I have written so many points, I have written 25 points, I think कुछ उसमें से हैं कुछ अलग हैं, we will amalgamate all and we will create some beautiful audios so that people can listen to them, so thank you to all of you, so wonderful, and anyone wants to say, so this is the wrap up of the session, thank you so much, take care of yourself, enjoy, thank you, God bless you, thank you everyone, bye bye.